शाह महमूद मीडिया से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का अक्वाम मुत्तहिदा में जो मौकफ पहले भी आप सुनते रहे होंगे, ये पहली मरतबा तो नहीं कहे, इस दफा जिन जिन इश्यूज पर हमने बात की है और जिस वाज़े अल्फाज में की है, अगर आप उसका भी मुताला फरमाएं तो आपको अंदाजा होगा कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप समझ लें, और ये हमारी एक अनरियलिस्टिक अप्रोच होगी कि हम समझें कि हम आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। और फिर एक हमारी और चीज़ भी है कि हम हमेशा हमारी कोशिश होती है कि अपनी काविश को नीचे दिखाया जाए, अपनी कोशिश को उस पर उसको वो अहमियत न दी जाए। उसके बरक्स आप देखें कि दुनिया में खारजा अमूर पर जो बहुत से नकाज भी होते हैं ना, वो फैसला करते हैं। भारत में आपको भी मिल जाता है, आपको भी मौका मिलता है। जी भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, कल उनसे मुलाकात हुई। मैं जैसे एक कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, और वो बहुत न सिर्फ मुतमईन थे, खुश थे, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान का मौकफ बड़े मौसर तरीके से पेश किया गया। सर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार था कि एक वजीर खारजा ने पाकिस्तान के लिए भरपूर किरदार अदा किया और ऐसा कदमा लड़ा कि जिस पर पूरा पाकिस्तान, बल्कि उम्मत मुसलमान भी जो है वो भी उस पर काफ़ी सेटिस्फाइड थी, क्योंकि जो आपने इश्यूज उठाए उस पर मैं बतौर पाकिस्तानी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। साथ ही मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम उम्मा के हवाले से जो आपने कोशिश की, उनके मसाइल के हवाले से कोई पेश रफ्त नजर आई कि मुसलमानों के ममालिक में जो जंगें हो रही हैं और वो जंगें जो जो ताकतें करवा रही हैं, उस हवाले से कोई पेश रफ्त नजर आई है? मैं आगे हूँ। देखिए, मुझे ये कहते हुए अफसोस भी है और दुख भी है कि इस वक्त उम्मा में वो इत्तफाक नहीं है जो होना चाहिए। इस वक्त आप बटे हुए हैं, और उसकी वजूहात कई हो सकती हैं, उन वजूहात की तफसीलत में जाना ना मुनासिब है ना मौका महल है। लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि आप में वो यकसुई और वो यकजहती नहीं है जो कि होनी चाहिए, और इन हालात में ऑपरेट करना आसान नहीं है। मिसाल के तौर पर OIC का जो इजलास था, उस इजलास में बहुत से इश्यूज डिस्कस होते हैं। वहाँ जो गुस्ताखाना खाकों का वहाँ पेश करने में और वहाँ लोगों को उस स्टेटमेंट में उसको शामिल कराने में, क्योंकि बटे हुए हैं ना, तो उसमें भी कई दफ़ा दिक्कत महसूस होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हासिल हुई। OIC का अपना जो अपना कश्मीर पर जो एक कॉन्टैक्ट ग्रुप बना है, उसमें भी बहुत से दोस्तों को कायल करना और वहाँ लाना और कश्मीर पर एक मौसर स्टेटमेंट हासिल करने में पहले जितनी आसानी नहीं है, पहले कदरे आसानी थी, अब क्योंकि तकसीम है ना भाई, उस तकसीम की वजह से मुश्किलात हैं। उसकी तकसीम की वजह आप नहीं हैं, वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन उनके असरात आप पर यकीनन पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मौसर तरीके से